फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जा रहे हैं कार की अनबॉक्सिंग करने। सो आपको दिखाएंगे कौन सी कार है, कैसी दिखती है और उसकी पूजा भी करेंगे जाके। सो लेट्स गो। सो हमने ये लड्डू वगैरह जो पूजा की थाली है वो सब ले लिए। अब चलते हैं पूजा करने अंदर मंदिर में। मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पे गणेश मंदिर में। इसके सामने से हमेशा मैं इस मंदिर के सामने से निकलती हूँ, लेकिन कभी जाने का मौका ही नहीं मिलता। आज मौका मिला तो हम दिखाते हैं आपको और मैं भी दर्शन करती हूँ। सो चलते हैं, लेट्स गो अंदर। जब मैं इस मंदिर के अंदर आई तो मुझे एकदम पॉजिटिव फील हुआ और एकदम सुकून मिल रहा था, मतलब एकदम शांति सी फील हो रही थी अंदर। और काफ़ी अच्छा है दिखने में, काफ़ी डिज़ाइंस में इसको बनाया गया है। इसके जो भी है अंदर का लुक देखो, कितना अच्छे से इसको क्रिएट किया गया है। इस मंदिर को काफ़ी सही लगा मुझे यहाँ पे आके, और काफ़ी सुकून भरा भी था माहौल यहाँ पे, देख सकते हो। फिर इसके अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आ चुकी हूँ मैं पूजा की थाली वगैरह लेके, और मेरे को याद आया घंटी भी बजानी है, तो मैंने उछल के घंटी बजाई, वापस आई और फिर वापस मंदिर की तरफ चली गई पूजा करने। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हाथ वाथ जोड़े और फिर बाद में बाहर कार की पूजा करने पहुँच गए। ये हमारी न्यू कार, ये पंडित जी ने थोड़ा से स्वास्तिक वगैरह बना के पूजा वूजा करी कार की। और कुछ फिर फूल वूल बरसाए इस गाड़ी पे थोड़े से इन्होंने। फिर मैंने पूजा की बाद में। ये है VXI मॉडल स्विफ्ट 2020, जो कि अभी नई लॉन्च हुई है, शायद न्यू डिज़ाइन आया है, तो हमने ये परचेज़ की थी और काफ़ी अच्छा लगा मुझे इसको देख के, खुशी हुई थी। और फिर बाद में मैंने भी पूजा करी इसकी, और अंदर से भी स्टेयरिंग की भी पूजा की और टीका वीका लगाया कार को अंदर से, और स्टार्ट करके फिर बाद में राखी वाखी सब पूजा वूजा कर दी अंदर से। अंदर भी दिखाते हैं आपको थोड़ा सा। सो चलो अंदर की तरफ। अब कार के अंदर का लुक देखो, ये हमारे कार का अंदर का लुक, जो कि काफ़ी अच्छा दिखने में है। इसकी डिटेलिंग कभी और बताएंगे आपको, लेकिन आज पूजा का ही सब कुछ दिखा देते हैं। और यहाँ पे राखी बांधी मैंने स्टेयरिंग को, और ये है क्यूट सी कार मेरी, मेरे को छोटी सी लगी और क्यूट लगी। और यहाँ पे मैंने अपने भाई को राखी बांध दी है पूजा वूजा करके। फिर बाद में फिर भैया ने मुझे पैसे दिए, वो भी 2100 रुपये। और फिर बाद में हमने नारियल फोड़ा कार से। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा बताइए ज़रूर।